ठीक है, तो इस चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। डी अल्फाबेट के जो भी भजन हैं उस पे हम चर्चा कर रहे थे, लगभग 33,000 भजनों की ये श्रृंखला। इसमें से दुष्ट मन इस भजन के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। इसके दो पयारों पे हमने चर्चा कर लिया, तीसरे पयार पे आज चर्चा करेंगे। तुमार कनका भोगे रजना का। अच्छा, 1 मिनट वेट कीजिएगा। हरे कृष्ण। मैंने वीडियो ऑफ किया है क्योंकि यहाँ नेटवर्क कभी कभी बहुत कम हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा ठीक रहेगा। तो आप श्रवण कीजिएगा, अगले 15 मिनट हम इसको चर्चा करेंगे। तुमार कनक भोगे रजना का, कनक द्वारे सेवा हो माधव, कामिनी र कामा नाहे तव धाम, ताहार मालिक केवल यादव। दुष्ट मन तुमी के शेर वैष्णव। तो इस प्यार में छिला भक्ति सिद्धांत सरयू ठाकुर ये कह रहे हैं कि तुम्हार कनक भोगे रजनक, यदि आप अपने पास धन बहुत इकट्ठा करके हम रखेंगे तो वो भोग वासना को जन्म देगा। बार बार शॉपिंग करने का मन करेगा, बोले क्या खरीद ले अमेजोन से, है ना। नहीं, तब हम आवश्यकता से अमेजोन के ऊपर नहीं जाएंगे कि हमें क्या आवश्यकता है वो हम खरीद। अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही देखेंगे कि अमेजोन वाले आखिर बेच क्या रहे हैं। क्यों? क्योंकि पैसे ज्यादा तो सल्फर वाला चीनी आ गया, फिर सल्फर लेस वाला चीनी था। इस तरह से ऐसा इकट्ठा अगर कहीं पे भी रखा होता है, मतलब आपको फ्रीडम है उसको खर्च करने का, तो वो भोग की पैसे को हमेशा ही क्या करना चाहिए, समाज सबसे जी ऐसे थे, दान कर रहे थे क्योंकि वहां पे मुझे आवाज ब्रेक हो रहा है। हरे वो होता है। वहां पर भी उनको कुछ कृष्ण रोल दिया गया। तो रहीमदास जी कहते हैं, खेत में नाव में घर में बाढ़े दाम, तुम दो हाथ लीजिए यही सयानों काम। अगर नाव में पानी बढ़ जाए दोनों हाथ से निकाली, तो इस तरह से घर में बहुत पैसे बढ़ जाए तो भोग करने की इच्छा बहुत बढ़ जाती। मैंने देखा कि मेरी ऐसे मैंने देखा है, मतलब रिलेशन में है, पैसे उनके पास इतने बढ़ गए, अब उन्होंने एक घर बनवाया और उसमें 108 कमरे हैं। सोच रहे 108 से भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा कमरे, सब में टॉयलेट बाथरूम अटैच किया है, और मतलब एकदम हॉस्टल के जैसे उसको बहुत, और पैसे इतने ज्यादा बढ़ गए हैं और क्या कर रहे हैं। और कभी महिला उसके जो है कोई कांग्रेस के वो वहां पे बात कर रहे हैं, सदस्य बन रहे हैं, तो कभी इनको कोई और काम नहीं मिल रहा है जो है, और वो बस इनके पैसे बहुत ज्यादा बढ़ गए।
भगवान में मन लगाना चाहिए, अपने धर्म के उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए, ये सब ओ बस यही। कभी कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, कभी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बन रही, यही सब काम करना। ये कह रहे हैं कि पैसे आपके पास अगर फ्रीडम है खर्च करने की, तो आप देखेंगे भोग की इच्छा बढ़ती जाएगी। इसीलिए श्री प्रभुपाद ने इस्कॉन में ये नियम बनाया कि इस्कॉन के जितने भी मंदिर होंगे वो सब जो भी दान आएगा उसको पूरा पूरा खर्च कर देंगे। हर सभी प्रसाद बांटा जाता है। कभी कहीं कीर्तन हो रहा है, सभी प्रसाद लोग ट्रैवल कर रहे हैं, कभी प्रचार कर रहे हैं, तो कर देने चाहिए। नेवर होर्ड द मनी। इनफैक्ट हमारे विग्रह हैं उनको सोने के का दे करके किसी का भी मन चंचल होता है। ज्यादा ज्यादा 2-4 हजार, 2 हजार, 3 हजार का अच्छे से सजाइए, और मोतियों से अच्छे से सजाइए। वस्त्र अच्छे लीजिए पर बहुत महंगे, तो विल श्योरली रिजल्ट इन उपभोग करने की इच्छा जागृत हो। पैसे अगर रुके हुए कहीं के पास, आप होके रचना सेवा हो माँ, तो पैसे का कर देनी चाहिए। मान लो आपके पास बहुत, मैं जब अपने पिताजी का जब देहांत हुआ, एक घाट पे जो लोग मरते हैं उनको फिर वो वहीं पे ही बहा देते हैं, उनका अस्थि विसर्जन टाइप का इस तरह का कुछ नहीं होता। तो मैंने देखा कि मेरे पिताजी का जो अवशेष बचे थे उन्होंने, मैं सोच रहा था कि क्या ही शरीर देखो क्या हो जाता है। जिस व्यक्ति का इतना डिमांड था, सारी दुनिया में लोग जानते थे, एक दिन में 70-80-80 कॉल आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति भी तो केवल और केवल प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। पंडित आप कोई कहेगा सबको माँ के जैसे देखेंगे तो मेरी शादी किससे होगी। तो चिंता मत करिए, जब आपकी शादी होगी तो उसको आपने नहीं देखा हो इस तरह से। बुलाया होगा, चिंता मत करो। और जब कोशिश तो यही करनी चाहिए कि दूसरे की कोई भी स्त्री या पत्नी को जो भी हो उनको जो है माता के समान ही देखना चाहिए। मातृवत परदारेषु पर द्रव्येषु लोष्टवत्, दूसरों की कोई वस्तु को पत्थर के टुकड़े के समान समझना चाहिए। आत्मवत सर्वभूतेषु, जब व्यवहार करने की बात आए तो सोचना चाहिए कि अच्छा इनके साथ मेरा जो, इन्होंने मेरे साथ जो मैं चाहता हूँ इनके साथ वैसा ही मुझे इनके साथ व्यवहार करना चाहिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं तुम्हारा कनक होगे रचा। एक तो पैसे रहते हैं तो फिर क्या होता है, भोग करने की इच्छा बढ़ती जाती और कुछ ना कुछ नया और करने की इच्छा जा रही है। तो अगर न्यूज़पेपर का कुछ नहीं करना होगा ना, या फिर कुछ ऐसा कोई माया का कुछ चीज इधर उधर नहीं सूझेगा, तो ऐसे ही भोग करने का मन करेगा। किसी को भी
डराएंगे, बोलेंगे अरे तुम हमें जानते हो, हम बहुत बड़े हैं। बढ़िया, हाँ बढ़िया। तो ये जो है यहाँ पर कह रहे हैं कि कामिनी रे काम ना ही तव धाम ताहर मालिक केवल याद। ये जो स्त्रियां हैं ये सब के मालिक तो कृष्ण ही हैं, बाकी हम लोग कहाँ मालिक है। मान लो कोई किसी से विवाह भी कर लेता है, उसको कोई रोग हो जाता है तो बचा पाता है ना? नहीं। तो ये सब जो है सब चीज को समझ के करना चाहिए। ठीक है, तो हम अभी इसको जो है यहीं पर क्लोज करते हैं। आज हमने ये चर्चा किया तुम्हारे कनक जो एक पैसे बहुत होल्ड करके रखेंगे, भोग की इच्छा जागृत। पैसे होल्ड के रखने पर भोग की बहुत इच्छा जागृत। तुम्हारे कनक भोगे रह जानक भोगे रह द्वारे सेवा हो माधव। अच्छा, कनक के रे द्वारे सेवा हो माधव। कामिनी रे काम नाहे तव धाम। कामिनी का काम तुम्हारा घर नहीं, क्योंकि क्योंकि जो कामिनी स्त्री है वो तो कभी आएगी इधर स्पर्श करेगी उधर स्पर्श करेगी, लेकिन वो हमारा धाम है, क्योंकि वहां पर वास्तविक रिलैक्सेशन हमको मिलेगा। कामिनी रे काम नाहे तव धाम ताहर मालिक केवल यादव। यादव मतलब भगवान कृष्ण। तो उनके वास्तव मालिक कौन है? कृष्ण ही उनके मालिक है। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक प्यार पे हमने चर्चा किया, और उसके आगे की जो चर्चा है उसको हम कल करेंगे। मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ, यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है तो हरे कुछ लोग ये कह रहे कृष्णा। हैं कि प्रभु जी दीक्षा के लिए हमको थोड़ा क्लैरिटी चाहिए दीक्षा के लिए। तो जो भक्त हैदराबाद में आए थे क्लास में उनको थोड़ा बहुत क्लैरिटी हो गया होगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि दीक्षा के ऊपर कुछ करेंगे। ठीक है, अच्छा एक मिनट देखता हूँ मैं। अच्छा, किरण गुप्ता माता जी, हाँ एक मिनट मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ, हरे किरण कृष्णा गुप्ता प्रभु माता, जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ प्रणाम बोलिए। प्रभु जी एक मतलब भौतिक जगत की बात है प्रभु हाँ जी। मुझे प्रभु जी आवाज आ रही प्रभु जी? हरे हरे कृष्णा आ रही है, प्रभु मेरे पास जी, तो आ रही है, बताइए बताइए ना जल्दी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। भौतिक जगत की बात है प्रभु जी ये योगी अयोध्या में हार गए हैं प्रभु जी। पर मतलब मैं ना मुझे प्रभु जी मुझे सारी रात नींद नहीं आई। मुझसे कुछ ऐसा कह दो कि जो मुझे संतोष हो जाए प्रभु। मुझे थोड़ी शक्ति आ जाए जीने की प्रभु जी। माता जी, ये सब जो हाँ जो भी होता है, भगवद गीता में 5वें 18वें अध्याय के 5वें श्लोक में, अरे 18वें अध्याय में ये भगवान बताते हैं, कर्ता करण कर्म एव च उपादानम तथा कर्ता कर्ता करण एव च। पांच कारण होते हैं, परमात्मा च, कह रहे हैं कि पांच
चीजें होती हैं जिनकी वजह से कोई भी कार्य सिद्ध होता है। सारा एक जी दैव दैव भी होता है, पार्ट हो तो आवाज नहीं आ रही प्रभु जी, आपकी कट जा प्रयास रही है। बहुत अच्छे होंगे। अधिष्ठानम तथा कर्ता, अधिष्ठानम इस तरह आप एक पढ़ लीजिएगा भाभी, क्योंकि ये पांच चीजों की वजह से कोई भी कार्य नहीं भी हो पाता है, हो पाता, इसलिए इसको जो है बहुत ज्यादा को इसी वजह से रांची अब फर्स्ट क्लास, अब बीजेपी की सरकार बन रही है और आप सब लोग के लिए अच्छा है, कुछ भी नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। लोग कम वोटिंग करते हैं इस वजह से भी हो रहा है, हमने कुछ किया नहीं लेकिन वोटिंग कम हुई तो क्या। ठीक है ना माता जी, आप प्रभु ज्यादा जी, परेशान प्रभु मत हो जाओ। जी, प्रभु जी, मुझे सारी रात नींद नहीं आई प्रभु। मैं हाँ सुबह मैंने माला भी कर ली प्रभु, मतलब मन पे एक ऐसा बोझ हो गया है कि मैं बता नहीं सकती प्रभु। मैं चेतन मैं सनातन प्रभु से पूछूंगी प्रभु, ऐसी कोई मेरे ऊपर कोई ऐसी वो कर दे कि मुझे शक्ति आज ताकत आज जीने की प्रभु जी। नहीं, अभी ये अभी जीत रही है, योगी जी जीत गए हैं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पर ये है कि अब विधि का विधान भी बहुत कुछ है ना, कोई क्या कह सकता। ठीक है ना माता जी। ठीक है प्रभु जी, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड मत प्रणाम प्रभु जी, प्रभु जी ठीक है प्रभु जी, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे। आज अच्छी क्या वॉइस ब्रेक हो रही थी, मैं समझ रहा हूँ, मैं ट्रैवल कर रहा था, पर ये भजन इतना अच्छा है कि मैं इसको मिस नहीं करना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी इसको यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जाय, गौर भक्तवृंद की जाय। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को समाप्त हरे कृष्णा करता प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हूँ। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, प्रणाम थैंक यू प्रभु सो जी, मच। दंडवत हरे प्रणाम कृष्णा प्रभु प्रभु जी, प्रणाम, हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु।